बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन पकौड़ा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब इस रेसिपी में जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चिकन चाहिए। ये 1 किलो चिकन है। इसके साथ ही हमें ये सारे स्पाइसेस चाहिए, ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा पीस लें। और ये हमें एंड पे चाहिए बेसन फ्राई करने के लिए। और ये लहसुन अदरक की पेस्ट है। चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह ये रेसिपी रेडी होगी। अब सबसे पहले एक बर्तन लें, इसमें ये चिकन जो मैंने आपको बताई थी ये आप इसमें डालें। ये सारी चिकन इसमें आ गई। आए थे ये 3 छोटी चम्मच मिर्चों की है। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है, ये नमक, ये सूखा धनिया और ज़ीरा पीसा हुआ और थोड़ी सी हल्दी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकती हैं, जितनी आप पसंद करती हैं। ये हम सब कुछ इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा लहसुन अदरक की पेस्ट 2 टीस्पून। 3 भी आप डाल सकती हैं क्योंकि चिकन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये वाले 1 ग्लास और आधा ग्लास और डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। और इसको फिर आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना कि चिकन इसी पानी में गल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ज़रा चम्मच से आप ऊपर नीचे कर लें अच्छी तरह से। और इसको आपने आधे घंटे के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे छोड़ देना है कि इसमें ये सारा इसका चिकन गल जाएगा और सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे। फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले स्टेप में। इस पर आप ढक्कन रख के इसको कवर कर दें और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें जब तक चिकन गल जाए। 25 से 30 मिनट हो गए हैं, ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि सारा पानी इसका ड्राई हो गया है और इसकी नमक मिर्च इसमें बिल्कुल हल हो गई है सारी। अब इसको मैं साइड पर कर दूँगी। जो मैंने आपको बेसन बताया था, ये मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने नमक, मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा और सूखा धनिया डाल के इसका बैटर तैयार कर लें। ये ऐसा बैटर हो कि ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अब ऑयल गर्म होता है तो मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें आपने एक एक करके ये चिकन जो हमने बॉयल किया है, ये देखें इस तरह आप इसके ऊपर डाल के दोनों तरफ से आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच नहीं करनी। जितनी हल्की आंच पे करेंगी उतना वो क्रिस्पी बनेगा। क्योंकि इसका नाम ही चिकन पकौड़ा है। ये हम एक एक करके इसमें डाल देंगे और हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से इसको ब्राउन करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल जब लुक रेडी हो जाएगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी आंच पे आपने रखनी है जितना मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से ना आपने कोट करना है मिक्सर को। ये देख रहे होंगे आप, इसके अंदर डीप करके इसी तरह जिस तरह बाकी का भी चिकन है आपने वो भी इसी तरह सारा डाल के फ्राई कर लेना है। अब ये गोल्डन होने तक मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक क्या आती है। ये आप देख सकती हैं कि दोनों साइडों से इसको मैंने गोल्डन कर लिया है हल्की आंच पे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको पहले आप किसी कंटेनर टाइप से इसमें डाल के नीचे से ज़रा ऑयल इसका सारा अच्छी तरह से नीचे प्लेट में आ जाएगा, फिर मैं आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ।
हल्की आंच पे किए हैं तो ये कलर आए, अगर आप ज्यादा तेज करेंगे तो ये जल जाएंगे। अब आंच हल्की कर दें। अभी हमारा चिकन पकौड़ा बिल्कुल रेडी है और इसके साथ मैंने ये रायता बनाया, थोड़ा सा दही का, और ये टमाटो केचप है, ये आप ले सकते हैं इसके साथ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई है बनके। आप भी इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और नीचे बेल आइकन पर प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।